أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى في كلامه المحكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولدي أعلمكم. अंदाज़े ब्याह ही बदल देता है रंगों को वगरना, अंदाज़े ब्याह ही बदल देता है रंगों को वगरना, ज़माने की कोई बात नई बात नहीं होती। हर लहजा है मोमन की नई शान नई आन, हर लहजा है मोमन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ्फारियो को दूसियो जबरूत, कहारियो गफ्फारियो को दूसियो जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह से मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सामीन मोहतरम, ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा खुतबा जुमातुल मुबारक तरबियत इंसानी के दीनी और माशरती रहनुमा उसूल, इस वक्त मौजूदा ज़माने में और जब से इंसानियत का आगाज हुआ है तब से लेकर आज तक किसी ज़माने में कोई एक ज़माना ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें तरबियत की अहम तरीन ज़रूरत ना हो और कोई एक भी फ़र्द बशर मर्द और ऐसे नहीं हैं कि जिनको तरबियत की ज़रूरत ना हो। इस वक्त हम टेक्नोलॉजी में तो बहुत तरक्की कर चुके, लेकिन फिकर शऊर आला कदार ईमान की सतह पर अगर देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं। हम चंद साल पीछे चले जाएं, पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान छोटे और गरीब ममालक में ज़रूर नज़र आता था, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ ममालक में से गिना और जाना और पहचाना जाता था। इसकी पहचान ईमान, इसकी पहचान इज़्ज़त और तकरीम, और इसकी पहचान फिक्र शऊर, इससे इसकी बुनियाद रखी गई। और याद रहे कि तरबियत और तालीम ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों में असल चीज़ तालीम से तरबियत मकसूद होती है। और दोनों लफ्ज़ों को तोड़ने के लिए मुरब्बी और मुअल्लिम
इसको तोड़ने के लिए और ख़त्म करने के लिए यूरोप ने अपने तमाम तर वसैल और अपनी तमाम तर तवानाई और सलाहियतें इसमें सर्फ किए हैं कि इस्लाम से मुअल्लिम इस लफ्ज़ का खात्मा किया जाए और इस्लाम में मुरब्बी, इसको मस्जिदों से, महल्लों से, इलाकों से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से, इन दो लफ्ज़ों को निकाला जाए। और कैसे निकाला जा सकता है उसके लिए पूरी प्लानिंग, इसलिए कि ये दो लफ्ज़ बहुत ही अहम तरीन है। मुअल्लिम अपनी जगह पे इन्ना माबूइस्तु मुअल्लिमा इस तरह मजबूत पिलरों की तरह खड़ा है कि उसे दुनिया की कोई ताकत, कोई सैलाब, कोई जलजला और कोई तूफान मजबूत मुअल्लिम को गिराना तो दूर की बात, मजबूत मुअल्लिम को हलाया भी नहीं जा सकता। और मुअल्लिम जो अपने हाथ से पौधे लगाता है और मुअल्लिम जो अपने हाथ से बिल्ड करता है, तामीर करता है, उसे यूरोपी तूफान और यूरोपीय अजमैशी और फितने उसके साए को भी नहीं तोड़ सकते, चाहे जाए कि उस बिल्डिंग को मिसमार किया जाए और जेरे जमीन किया जाए, जमीन बोस किया जाए। इसलिए कि मुअल्लिम और मुरब्बी होता क्या है, दो चार जुमलों में आपके सामने, कि मुअल्लिम उसको तोड़ने के लिए प्रोफेसर, ट्वीटर, टीचर, लेक्चरर और मास्टर, हेडमास्टर, ट्यूशनर और इसके अलावा बीसियों लफ्ज दिए गए। ये अपनी अपनी जगह पे हैं और तकरीबन अक्सर इस वक्त फेल हो चुके हैं। मुअल्लिम अल्लाह के फजल करम से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत थे। एक मस्जिद के लिए एक मुअल्लिम काफी है, एक मस्जिद तो दूर की बात, पूरे एक इलाके के लिए एक मुअल्लिम और एक मुरब्बी काफी है। पूरे टाउनशिप में एक मुअल्लिम हो और एक मुरब्बी हो काफी है पूरे टाउनशिप के नजरियात को, उसके फिक्र को, उसके शऊर को, उसके ईमान की सतह को, उसके ईमान के तराजू और ईमान के पैमाने को एक लेवल पे लाने के लिए एक मुअल्लिम और एक मुरब्बी काफी है। मुअल्लिम उसके लिए वक्त की कैद नहीं होती, मुअल्लिम जगह की कैद से आजाद होता है, मुअल्लिम टीच करने के लिए एज की कैद से आजाद होता है। उसके सामने छोटा बैठा दो फिर भी सिखा रहा है, उसके सामने बड़ा बैठा दो फिर भी सिखा रहा है। मुअल्लिम सफर में है तो तालीम फिर भी जा रही है, मुअल्लिम जमीन अमन क्याम में है तो फिर भी तालीम जा रही है, मुअल्लिम खौफ में है तो तालीम फिर भी जा रही है, और मुअल्लिम दस्तरखान पे है तो फिर भी तालीम जारी है। यही वजह है कि सैयदना सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक साहिब शिकवे के से अंदाज में कहने लगा कि आपके हबीब आपके मुअल्लिम कैसे हैं, कि इन्नी अरा साहिबकुम युअल्लिमुकुम कुल्ला शैई हत्तल खैरा, कि मैं देखता हूं कि आपके मुअल्लिम दुनिया की हर चीज ही सिखाते जाते हैं, किताब पढ़ाते पढ़ाते किताबें जिंदगी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक लफ्ज से जमीन से शुरू होते हैं अर्श पर पहुंच जाते हैं, हत्ता कि आपको वॉशरूम का तरीका भी बतलाते हैं कि जाने का तरीका क्या है और आने का तरीका क्या है, और घर से निकलने का, घर से आने का तरीका क्या है, नजरियात क्या होते हैं, अखलाक क्या होते हैं, किरदार क्या होता है, फिक्र शऊर क्या होता है। मुअल्लिम एक काफी है बंदों की सलाह के लिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बासफीहिम रसूल मिन अनफुसिहिम यत्लु अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अर्ज ये कर रहा था कि मुअल्लिम उसके लिए वक्त की कैद नहीं होती, मुअल्लिम के लिए जगह की कैद नहीं है,
मुअल्लिम के लिए स्टूडेंट की एज की कोई कैद नहीं, उससे आज़ाद है। मुअल्लिम के लिए कोई ख़ास किताबी शक्ल में उस तरह निसाब नहीं होता, वो हर वक्त सिखाता जाता है, हर वक्त सिखाता जाता है। और फिर मुअल्लिम साथ मुरब्बी हो, वो तो आपके दिल में, जिगर गोशे में, आपके जिस्म में खून की तरह सरायत कर जाता है। मुरब्बी की मिसाल अगर इंसान के जिस्म और कमीज से दी जाए तो फिर भी नहीं, मुरब्बी की मिसाल इंसान की बुनियान के साथ दी जाए तो फिर भी छोटी है। मुरब्बी की मिसाल इंसान के जिस्म और खून के साथ दी जाए तो फिर भी छोटी है, इसलिए कि मुअल्लिम और मुरब्बी की मिसाल इंसान के रूह और जिस्म की सी होती है। मुरब्बी और मुअल्लिम को अपने स्टूडेंट से अलग करने का एक ही तरीका है कि रूह को अलग कर दो, जिस्म से अलग कर दो। मुरब्बी इस तरह बंदों के दिल दिमाग में सरायत कर जाता है, एक एक लफ्ज इस तरह पॉलिश करके लाता है, अपने नौजवान के कानों में ऐसे पढ़े लिखे फिक्र बर मबनी, ईमान बर मबनी अल्फाज ला के पेश करता है कि उसके कानों से जाते ही दिल की दुनिया को आबाद करना शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखों में ऐसे लफ्ज ला के दिखाता है कि उनकी आंखों से लफ्ज पढ़ते ही दिल दिमाग रोशन होना शुरू हो जाता है। और फिर वो उसका तरबियत याफ्ता इंसान स्टूडेंट और उसका फर्द एक बल्ब की सीनी हैसियत रखता, फिर वो चमकता है, फिर वो चमकता है, और फिर वो चमकते चमकते बल्ब से ग्रेड और ग्रेड से सूरज और सूरज चांद की मिसाल बनने की कोशिश करता है। शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। सूरज गुरूब हो जाए तो कोई बात नहीं, जुगनू तो हैं छोटे छोटे जो लोगों के आपस में पांव टकराने नहीं देते। हम इस वक्त जुगनू भी नहीं रहे, दिए भी नहीं रहे, इसलिए कि हमारे अंदर खुद अंधेरा इतना छा गया कि यकीन करें कि खुद उस्ताद और खुद मुसले काबिल इसरा बन चुका है। वो आला कदार, आला अखलाक, आला ईमान तो दूर की बात, बुनियादी अखलाक, बुनियादी अकदार उसमें नजर नहीं आते। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन के मुतल्लिक आता है, फतअल्लमल ईमान कबल अल कुरआन, फतअल्लमल ईमान कबल अल कुरआन। हम कुरान सीखने से पहले ईमान सीखा करते थे, हम ईमान सीखने से पहले कुरान सीखने से पहले ईमान सीखा करते थे। और तुम हो कि इन्ना कुम अल्यौम तअल्लमून अल कुरआन कबल अल ईमान, कुरान को ईमान से पहले सीखते हो, पूरा कुरान रमजान में सुनने के बाद फिर भी इस्लाह उस तरीके से नहीं हो पाती। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मान अलकुम मिस्लुल वालिदि लिवालदि युअल्लिमुकुम, मेरी मिसाल मुअल्लिम की सी भी है और मेरी मिसाल एक वालिद की सी भी है। अच्छी माँ की गोद से, अच्छी गोद से अच्छी नस्ल परवान चढ़ती है। हमने अच्छी माएँ देना मुआशरे को छोड़ दी हैं, हमें यह पता है कि मैं बाप हूँ लेकिन ये नहीं पता कि बाप का क्राइटेरिया क्या होता है, बाप का निसाब क्या होता है, बाप का दायरा कार क्या होता है, बाप किस ब्लाक का नाम है, माँ किस ब्लाक का नाम है। कुरबान कुरबान जाए, माँ बुखारी की हो, दूध पिलाने से पहले वुदू करे और अल्लाह के हुजूर दुआएं करे तो फिर बच्चे बुखारी पैदा होते हैं। और उनका फिर किरदार गुफ्तार क्या होता है, किरदार के भी गादी, गुफ्तार के भी गादी। इमाम बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, खुद अपनी जबानी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे से अगर किसी मुसलमान की गीबत के मुतल्लिक सवाल करे तो मेरे नामा अमाल में एक मुसलमान की एक भी गीबत नजर नहीं आएगी। यह दावा करना कुछ छोटा नहीं है, हम तो एक दिन में अहले इलम भी और छोटे बड़े सब इमाम बुखारी वैसे तो नहीं बन गए, हर बच्चा छोटा बड़ा हर बंदा जानता है इमाम बुखारी, इमाम बुखारी
मन आमिला साली हमिन दाकारी ना उनसा वहुवा मोमिनन फला नुही अन्ना हु हयातन तयीबा। जो आदमी हमारा बन जाए हम उसे दुनिया का बना देते हैं, जिस तरह हमारे तज़करे लमा लमा चलते हैं इसी तरह उनके भी तज़करे लमा लमा चलते हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ इमाम बुखारी के तराने और गीत ना गाए जाते हो। कहा कि मेरे से अगर अल्लाह हिसाब ले तो एक नामा अमाल में गीबत नहीं मिलेगी। एक दिन ऐसे ही किसी का लेक्चर सुन रहे थे, इमाम बुखारी दिल में थोड़ा सा मिजा इस तरह की कंडीशन कफियत पैदा हुई तो साथ ही अपने उस खतीब लेक्चरर स्पीकर से बाद में आके सॉरी की कि मेरे दिल में कुछ ख्याल आया, मैं उस ख्याल को भी पकीदा बनाना चाहता हूं कि मेरा ख्याल मैं कुछ ऐल भरा ना हो जाए। हमारे अमराद दो किस्म के हैं, एक जिस्मानी अमराद और दूसरे रूहानी अमराद। रूहानी अमराद और जिस्मानी अमराद, जिस्मानी अमराद उसका कोई भी मर्द किसी भी को भी लग जाए, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, जाहिल हो पढ़ा लिखा हो, देही इलाके का हो शहरी इलाके का हो, कोई मर्द लग जाए उसे मर्द ही खड़ा कर देता है, भाई डॉक्टर तलाश करो, डॉक्टर तलाश करो, डॉक्टर की जरूरत है। और फिर वो डॉक्टर जिसकी दवा, जिसकी तशखीस, जिसका नुस्खा ऐसा परफेक्ट हो कि मर्द को बिगड़ने ना दे और वक्त दिनों में दुरुस्त कर दे, ऐसे तबीब ऐसे डॉक्टर हर गली मोहल्ले चौक चरस्तों में है। लेकिन माफ करना कि रूहानी अमराद और ईमानी अमराद रसूल कायनात दुनिया कायनात के सबसे पहले इस मुअल्लिम और मुआलिज तबीब हकीम तबीब आला ऐसे ऐसे जबरदस्त तरीके से अपने मरीज का इलाज करते कि यकीन करें आंखें दिल दिमाग हैरान शश्त रो के रह जाते हैं। और हमारे सामने उस तरह के अमराद अभी आए नहीं हैं, हमारे सामने उस तरह के अमराद बड़े पढ़े लिखे अंदाज से दो चार मिसालों से इशारा मेरे और आपके सामने। इस मस्जिद में कोई पेशाब कर दे मैं और आप लाल पीले गुस्से से सुरख लाल हो जाएंगे। रसूल कायनात की मौजूदगी में, सहाबा की मौजूदगी में, मस्जिद नबवी में रसूल कायनात के सामने एक आदमी ने पेशाब किया, किस तरह तरबियत की? ऐसा तबीब, ऐसा हकीम, ऐसा मुअल्लिम, ऐसा मुरब्बी पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल के सामने एक मरीज आया, कायद लिया रसुल्ला बिजना, अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दे दे। इतना खतरनाक मूजी मर्द, कैंसर से बड़ा आईसीयू वार्ड, सीसीयू वार्ड से ज्यादा सख्त, चिट्टे नंगे सफेद भरी मजलिस में बोलने वाला आदमी, एदली बिजना या रसूल अल्लाह, कौन है इस तरह का हकीम तबीब? इस तरह के मराद देखे, अपने बच्चों में देखे, अपने स्टूडेंट में देखे, अपने नमाजियों में देखे और फिर बर्दाश्त करे और बर्दाश्त इलाज सोचे, इलाज के साथ साथ उसके लिए पूरा तरीका और पूरी प्लानिंग सोचे। एक दुआ दी, अल्लाहुम्मा फिल जंबा अतहिर कलबा बहसिन फरजा, अल्लाह के रसूल ने सीने पे हाथ मार के दुआ दी तो यकीन करें सहाबी रसूल फरमाते जिंदगी में कभी भी बुराई का ख्याल तक नहीं आया। मर्ज को देखना और फिर उसके मुताबिक आगे चलना। अर्ज कर रहा था कि रूहानी अमराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज शुरू हुआ और सहाबा इकराम फिर ताबीन और दीगर। इस वक्त कौन है जो आपके मर्ज को दूर से देख के उनके बाल और जिस्म और रोंगटे खड़े हो जाएं कि इतना खतरनाक तरीन मर्ज, कोरोना से ज्यादा खतरनाक, इतना खतरनाक वायरस कि ये घरों के घर ना खा जाए? बड़ी बारीक आंख चाहिए, बड़ी बारीक सोच चाहिए, बड़ा जज्बा और वलवला चाहिए, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए कि मेडिकल में अगर दिल का कोई मरीज है, दिमाग का कोई मरीज है तो उसके लिए हसास हिस्सों के लिए हसास डॉक्टर हैं। जो आदमी आप रूहानी अमराद हैं, रूहानी बीमारियां हैं, उसके लिए ना तो तबीबी हकीम मिलता है और ना ही उस तरह का नुस्खा मिलता है, ना कोई इस तरह तजवीज मिलती है। इसलिए कि यह भी याद रखे कि मेडिकल अमराद में वहां डॉक्टर के पास दो ऑप्शन है, वहां डॉक्टर के पास दो ऑप्शन है, क्या मरीज को मर्द लगा, मरीज के मर्द को दूर करने की कोशिश करे, अगर कोशिश हो सके तो ठीक, वगरना उस उजव को, उस हिस्से को काट के बाहर फेंक दिया जाए।
लेकिन मुअल्लिम और मुरब्बी के पास ये ऑप्शन भी ख़त्म है। मुअल्लिम और मुरब्बी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने मरीज को काट के बाहर दे मारे या अपने मरीज का हिस्सा काटे। नहीं, दिन रात कभी जलवत में, कभी खलवत में, कभी तहज्जुद में, कभी दो नफरत नमाज पढ़ के, कभी सदका खैरात करके, या अल्लाह मेरे इस मरीज का मर्द मेरे से तो बहुत ज्यादा और डाढ़ा है, तेरे से ज्यादा तो नहीं है, ये कितना बिगड़ा हुआ स्टूडेंट है, या मेरा बेटा कितना, या अल्लाह मेरा है तो बेटा, ये मेरा है तो शगिर्द। यकीन करें, जिस वक्त रूहानी उस्ताद और शगिर्द के दरमियान में अकीदत का, अदब का, मोहब्बत का, इताद का आपस में रिलेशन हो, तो फिर कभी भी मुअल्लिम और स्टूडेंट, उस्ताद टीचर और उनके बच्चों के दरमियान में इतना गैप, इतना गैप, इतना गैप कि पता ही नहीं बच्चा कौन है, उस्ताद कौन है। आप अपने बच्चों से प्ले ग्रुप के उस्ताद का नाम पूछ के देख रहे हैं, उनसे तल्लुकात देख रहे हैं, आप खुद देखें, आपने अपने घरों में मस्जिद के मुअल्लिम, मस्जिद के इमाम, मस्जिद के खतीब, स्कूल टीचर, प्रोफेसर, कितने टीचर, कितने प्रोफेसर, कितने इमाम, कितने अच्छे लोग हैं जो आपके दस्तरखान का हिस्सा बनते हैं। क्यों? तल्लक ही नहीं है, मोहब्बत का तल्लक ही नहीं है, अकीदत का तल्लक ही नहीं है, इताअत का तल्लक ही नहीं है। यही वजह है कि जिंदगी तालीम से तो भरी हुई है, जिंदगी किताबों से तो भरी हुई, जिंदगी डिग्रियों से तो भरी हुई, जिंदगी बड़े बड़े नोबल इनामों से तो भरी हुई है, और पोजीशन ए प्लस 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 दर्जे की पोजीशन होल्डर है, डिग्री होल्डर है, लेकिन उसकी शख्सियत को देखे तो स्मेल आती है, बदबू आती है, उसकी जबान में सच नामी चीज नहीं है। पूरी जिंदगी कोई आदमी सच ही ना सीख सके तो उसने क्या सीखा है? कोई आदमी अपना किरदार ना बना सके तो उसने क्या बनाया है? उसकी जबान पे अल्लाह अकबर और उसी वक्त झूठ। तरबियत नेक हो तो जिंदगी की हर सलाहियत, तरबियत नेक हो तो जिंदगी की हर सलाहियत अल्लाह की खुशनूदगी में चलना शुरू हो जाती है और इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। फिर आवाज की सलाहियत हो, कानों की सलाहियत हो, कलम की सलाहियत हो, हुनर की सलाहियत हो, किसी सलाहियत से अल्लाह रसूल नहीं निकाला जा सकता। वो डॉक्टर हो और उसकी जिंदगी से, उसके क्लिनिक से, उसके हॉस्पिटल से अल्लाह रसूल निकल गया। वो कलमकार हो, नगार हो, तजर्बाकार हो और इसी तरह लिखारी हो, वो सब कुछ लिखता है, अल्लाह रसूल नहीं लिखता। मेरे और आपके बच्चे चैटिंग करते हैं, पूरा जहान चैट करते हैं, नहीं करते तो अल्लाह रसूल नहीं करते, क्योंकि अल्लाह रसूल सीखा नहीं। ए फॉर एप्पल पढ़ने वाला ए फॉर अल्लाह कैसे सीखे? बच्चों को जब पहले दिन ए फॉर अल्लाह पढ़ाया जाता, बी फॉर बैतुल्ला, एम फॉर मोहम्मद पढ़ाया जाता, तो बच्चे सीखते अल्लाह के रसूल के पास। एक वाक्या, अल्लाह के रसूल, मैंने एक लौंडी के साथ थोड़ी सी ज्यादती थप्पड़ मारा है, तो मैं उसका अब माफीनामा ये चाहता हूं कि उससे भी माफी मांगू और साथ उसको आजाद कर दूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसको मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस वक्त लाया गया, आपने उससे एक सवाल किया, पहला सवाल, ये मुअल्लिम का पहला सवाल, उस्ताद का पहला सवाल, बाप का पहला सवाल क्या? अइन अल्लाह, अइन अल्लाह, अइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है बेटा बताओ, अल्लाह कहाँ है? अइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल है। अल्लाह कहाँ है? कहा फिस्समा, मन आना, मैं कौन हूं? अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बच्चों के दिल में, दिल दिमाग में अल्लाह रसूल दीन, अल्लाह रसूल दीन, अल्लाह रसूल दीन आखरत, अल्लाह रसूल दीन आखरत, अल्लाह रसूल दीन आखरत, एक एक करके बच्चों के दिल दिमाग में सूरत फातिहा से ज्यादा मजबूत कर जाएं। उसको सोते हुए भी ये तराना उसके, अल्लाह रसूल दीन आखरत, अल्लाह रसूल दीन आखरत, ये चार लफ्ज़ रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, बहुत ही अहम चीज है कि ये सिखाने की जरूरत है। और फिर उसके बाद हम अपनी औलादों को सबसे पहले ईमान सिखाएं, ईमान, उसके बाद किरदार, किरदार। यकीन करें, लंबी चौड़ी तकरीरें करने की जरूरत नहीं होती, लंबे चौड़े फलसफे बयान करने की जरूरत नहीं होती, लंबे चौड़े उसूल बयान करने की जरूरत नहीं होती,
किरदार का गाजी, गुफ्तार का गाजी बहुत बड़ा गाजी होता है। एक सादा सिंपल जट का जिम्मेदार आदमी, उसको पता चला कि इस इलाके में फला आदमी बड़ा संक दिल जालम और दुनिया कायनात की हर बद्दी और बुरी सिफात उसमें पाई जाती है। कहा उसी को तो दावत देने में मजा आएगा, उसी की तो तरबियत करने में मजा आएगा। कहा ना जाना इज्जत का सवाल है, ना जाना ईमान का सवाल है। कहा नहीं जाऊंगा। दुआ करके गया, दो रक्त नमाज पढ़ के गया, वही हुई, वही हुआ जो हुआ। उसने इस तरह करके हाथ इस तरह कहा के कि मैं आपको अल्लाह रसूल की दावत देने आया हूं। उसने इस तरह हाथ किया, सलाम लेना शुरू किया। सलाम करते ही उसने हाथ के ऊपर थूक दिया, हाथ के ऊपर थूका। मुआलिज हो, दर्दे दिल रखने वाला हो, तो थूकने वालों के थूक भी खुश्क हो जाते हैं, बेगाने भी अपने बन जाते हैं। उसने कहा कि ये है, इस तरह करके उसने पूरे जिस्म पे मल लिया, पूरे जिस्म पे मला। कहा साहिब ये तो था थूक तेरा मेरे लिए, अब दूसरी दफा हाथ करता हूं, ये हाथ अल्लाह के लिए। उसने गले से लगा लिया। कहा कि अल्लाह के नाम का मैं तेरे हाथ पे थूकूं, दर्द दिल रखने वाला हो। एक साहिब नमाज के लिए, नमाज ही आम नमाज, नमाज के लिए जाता और एक आदमी उसको दावत देता और बार बार वो गालियां देता। एक दिन गालियां का वक्फा आ गया, पता चला कि गालियां देने वाला आज गली तो है, गली में गाली देने वाला नहीं है। बीमार था, घर गया। उसकी तीमारदारी की, तीमारदारी से भी मर्द हल्का ना हुआ, मर्द कैंसिल, खतरनाक मर्द था, मर्द हल्का ना हुआ। अगले दिन फिर जब सही हो गया, उसने फिर गाली। एक दिन तो हुआ इस तरह के गाली देते 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 मस्जिद के दरवाजे तक चला गया। वो साहिब मस्जिद के दरवाजे के अंदर गया, अंदर पांव रख के अंदर थोड़ा सा गया, फिर वापस आया। वापस आके कहने लगा कि जो मेरा रब तुझे मेरे घर के करीब ले आया है, अब मैं मेजबान हूं, मेजबान की मेजबानी, मेहमान की मेहमानी करना, मेहमान नाजी करना, ये मेरा हक है। गले लगा लिया। ऐसा फिर गले लगा, फिर जिंदगी में कोई आदमी उसको गले से उतार ना सका। ईमान किरदार, अब्दुल्ला बिन मुबारक का वाक्या आता है, ईसाई का, पहले भी शायद अर्ज किया हो, मुबारकपुरी ईसाई घराना है और वो घर से बाहर तिजारत के लिए निकल जाते हैं। घर से बाहर तिजारत के लिए निकले अब्दुल्ला बिन मुबारक, वो उनकी पूरी तिमारदारी भी करते, ख्यालदारी भी करते और बाकी मामलात भी करते। एक दिन हुआ इस तरह के ईसाई, कौन है ईसाई, ईसाई पड़ोसी, मुसलमान नहीं, ईसाई पड़ोसी। और मुसलमान अपना भाई, अजीज, रिश्तेदार, बहना, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक एक लफ्ज को तोल तोल के देखने की जरूरत है। ईमान का तराजू लगाया हो तो यकीन करें, तौबा 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 किए बगैर बंदा मरे ना, ईमान के तराजू हाथ से चले गए। हम अल्लामा बिस्मी कामुतवा या पढ़ते हैं, मैं सोने लगा हूं, दिन आपको दुआ ये तसव्वुर ले आए कि मैं अल्लाह के नाम से मरने लगा हूं, कोई रात ऐसी नहीं जाएगी कि जहां सोने लगे बिस्तर पे लेटने से पहले अपने खातों को साफ न करके सोए, मरने लगा हूं। तो गए, कहा कि मैं अपने घर को सेल करना चाहता हूं, ईसाई, घर को सेल। कहा कितने का? कहा तकरीबन 800 दिरहम दिनार का। कहा इतना महंगा, इतना महंगा घर कहां से आ गया, ये तो 300-400 दिन से ज्यादा नहीं है। कहा कि मैं अपने घर का सौदा तो नहीं कर रहा, मैं अपने घर की तिजारत नहीं कर रहा, मैं तो अपना पड़ोसी फरोख्त कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, मैं पड़ोसी फरोख्त करने लगा हूं। ये मेरे और आपके किरदार की सफ़ों में ऐसे बंदे खड़े हैं, हीरो खड़े हैं, और ये अभी आम लोग हैं, मैं बड़ों तक नहीं गया। मेरे वडेरों का किरदार इतना साफ शफाफ कि ऐना वहां शर्मिंदा हो जाए कि इतना साफ शफाफ चेहरा। सहाबा इकराम की मिसालें, अंबिया इकराम की मिसालें,
यूसुफ नबी की मिसालों में नहीं गया कि 100 जुलैखा इस तरह खड़ी कर दी जाए तो यूसुफ नबी के ईमान को हलाया नहीं जा सकता। आप यूसुफ सूरत तो पढ़ते हैं लेकिन यूसुफ बनाने की कोशिश नहीं की जाती। मेरे और आपके सामने कोई मां बहन बेटी आए और फौरी लफ निकले, बेसाख्ता निकले, कालम आदल्ला मादल्ला मादल्ला, अल्लाह की पना, तेरे एक औरत और इसके हुस्न की वजह से प्यारे सोने रब को हार जाऊं, बड़ी मुश्किल से तो जीता है, उससे बड़ी मुश्किल से तो यराना लगाया है, दिन रात की इस तरह झोली फैला के तो उससे उसकी मोहब्बत मांगी है, उसकी अजमत और उसकी मार्फत मांगी है, और उसकी मोहब्बत और मार्फत और अजमत को और उसकी रजा रहमत को एक औरत की एक आंख पे जाया और सौदा कर दूं, 50 लाख पे सौदा कर दूं, कैसे हो सकता है सहाबा इकराम। फिर उसके बाद किस्सा मुख्तसर, उसने कहा 800 दिरहम दिनार का, कहा इतने का पड़ोसी फरोख्त कर रहा हूं। पड़ोसी को पता चला, रात की तन्हाइयों में गए और दरवाजा खड़काया, अंदर से ईसाई निकला। ईसाई ने देखा अब्दुल्ला बिन मुबारक सामने, देखा शरीफियां हाथ में, कहा कि मुझे आपसे कोई काम है। क्या काम है? अलग बंद कमरे में बात करनी है। मुझे पता चला है कि आप घर को फरोख्त करके जा रहे हैं, आपकी चार दीवारी में नौजवान बेटियां हैं, आपका तो गुजर बसर उस वक्त नहीं होता जिस वक्त आप और मैं दोनों इकट्ठे मिलके, इसलिए तू घर जा रहा है, घर फरोख्त करके जा रहा है, मेरे घर में जिस वक्त खाना नहीं पकता तो धुएं से मेरा पड़ोसी अंदाजा लगा लेता कि आज पड़ोसी के घर में खाना नहीं पका, दरवाजा ना खुले तो पता चल जाता है आज मेरा पड़ोसी नहीं है। अब्दुल्ला बिन मुबारक सारी रात पहरेदार बन के चक्कर लगाते हैं, खाने पहुंचाते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक पूरी ने इस तरह उसका हाथ पकड़ा, कहा कि तेरे से एक वादा लेने लगा हूं। क्या? कहा कि तुझे अल्लाह की कसम लगे, तुझे अल्लाह की कसम लगे, क्या कि ये अशरफियां भी ले ले और घर भी ले ले, लेकिन तूने मेरे सिवा और अल्लाह के सिवा किसी को बताना नहीं है। ईसाई की आंखों में आंसू आ गए। कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक, तेरे जैसे अगर मुसलमान है तो तेरे हबीब का क्या कहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, ना कोई दावत है, ना कोई तकरीर है, ना कोई तिलावत है, ना कोई दस्तावेज है, सिर्फ किरदार की दावत को मजबूत करने की जरूरत है। मां नहीं रही, बाप बाप नहीं रहा, उस्ताद नहीं रहा, मुरब्बी नहीं रहा, ईमाम नहीं रहा, वडेरे नहीं रहे, तो फिर ये अंधेर कोठरी और जुल्म सितम तो चलना है। मैं यकीन करे आपकी मस्जिद नूर से, मरकज नूर से, ये मस्जिद मैं देखता हूं एक अजीब किस्म की रूहानियत और अजीब किस्म का यहां ईमान है। और मुझे वो आयत याद आ जाती है, लमस्जिदुन उसीसा अलतकवा मिन अव्वली यौम। एक इसका सादा सिंपल तर्जमा है, उस्ताद ग्रामी बैठे हैं कि मस्जिद तकवे की बुनियाद पे बनानी चाहिए, ग्रामेटी एतबार से इसका तर्जमा ही नहीं ठीक। मस्जिद की बुनियाद होनी ही उसीसा अलतकवा, तकवे पर नहीं, तकवे के ऊपर चढ़ के होनी चाहिए। और तकवा भी सिर्फ अखलाक के मान का नहीं, पूरे तकवे के ऊपर चढ़ के। और मिन अव्वलियौमिन, ईंट रखने के वक्त नहीं, पहले सांस के पहले इरादे के वक्त मस्जिद की बुनियाद तकवे पर रखी जाए तो मस्जिद में ईमान और रूहानियत। और नईम साहब की मैंने तस्वीरें देखी खिदमत खलक के एतबार से, यकीन करें ऐसा दिल को मोह लेने वाले उनकी खिदमत खलक के अंदाज मैं देख रहा था कि नहीं, पहले जैसा नहीं रहा, ये हमारे दिलों में घर कर गए हैं। अगर जी हमारे साथी दोस्त हैं, लेकिन यकीन करें मुस्कुराहटें बांटने वालों को अल्लाह मुस्कुराहटें देता है, खुशियां बांटने वालों को खुशियां अल्लाह देता है। तरबियत में हो, मैं एक जुमला बोलता हूं उसको याद रखना, अपनी काबिलियत में और अपनी सलाहियत में भले कितने भी मॉडर्न बन दो कोई हर्ज नहीं है, अपनी सलाहियत में अपनी काबिलियत में, लेकिन मवाद देसी रखो।
आपको कोई नीचे बैठा दे तो कोई हर्ज नहीं, पैदल चला दे तो कोई हर्ज नहीं, ये शिकवे नहीं रहेंगे। मुझे तो उसने पूछा नहीं, मेरी तो नाक नहीं रही, उसने मेरा एहतराम नहीं किया मेरा। फिर बंदा सबके सामने पानी में पैर रख के गंदे पानी में कूद जाता है और लोगों के दिलों को मोह लेता है। खाजा तीक साहब, सलाम है सलाम अलैकुम सलाम कौन रब्बिर रहीम, ऐसे मर्द होर पर, ऐसे मर्द इकबाल पर, ऐसे मर्द मुजाहिद पर पूरी दुनिया लुटा गए। लेकिन दुनिया थोड़ी लुटाई है, पूरा जहान पा के चले गए। अल्लाह उनको गरीब के रहमत फरमाए और उनके वरसा को सही मानों में वारिस बनने की तौफीक अता फरमाए। तो अपनी औलादों को ईमान सिखाओ, अपनी औलादों को किरदार सिखाओ, किरदार किरदार। बच्चे फिर उनको कहने की जरूरत ही नहीं पैदा होगी कि सर बाबा मामा मेरे लिए दुआ करना, उनकी अच्छी प्यारी हरकतें ही ऐसी होती हैं कि उनको देख के बंदा दिल से दुआ निकालता है। उनको कहने की जरूरत ही पैदा होती, उनका किरदार बोलता है, उनका अखलाक बोलता है, उनकी आला कदार बोलती हैं। और खिदमत खलक के बगैर तो बंदा बेकार है, सिला रहमी के बगैर तो बंदा जानवर है। सिला रहमी ना सिखाने वाला, खिदमत खलक ना सिखाने वाला बाप, उसको सबसे पहले अपने मुंह पे थपेड़ा खाने की थपेड़ा खाना पड़ता। क्यों? बेटे को सिखाया नहीं, खिदमत सिखाई नहीं, तो सबसे पहले वो बाप का नाफरमान होता है। फिर भाइयों को थपेड़े खाने पड़ते हैं, भाइयों को एक मिनट में चुटकी में रगड़ के रख देता है। और फिर रिश्तेदार पड़ोसी सारा जहान उससे तंग हो जाता है। और जो खिदमत खलक सीखता है, जो अजनबी यतीमों मस्कीनों की किफालत करना सीखता है, वो अपनों को तो सर से उठा लेता है। फिर माँ बाप के हुक्म का अमीन नहीं होता, माँ बाप के हुक्म का अमीन नहीं होता, माँ बाप के हुक्म का अमीन नहीं होता, बल्कि माँ बाप के उन दिल में छुपे हुए नेक इरादों का भी अमीन बन जाता है कि मेरे बाप की ये ख्वाहिश उठ रही थी कि मैं किसी के सर पे शफकत का हाथ रखूं, तो बेटा कहता है कि मैं उस बाप की उस ख्वाहिश को भी पूरा करने जाऊंगा। ये अलबैक वाले क्या है, मदीना मक्का में रश नहीं खत्म होता, बाप एक दिरहम दिनार एक रियाल देता है, बेटे को पता चला मरने के बाद, कहा कि बाप एक देता है तो बेटा दो देगा, बेटा दो देगा। दीन सिखाओ, दीन में पहली चीज अकायद, दूसरी चीज नमाज, और साथ किरदार। किरदार बड़ा बार बार बारीक भी नहीं से कह रहा हूं, और सच सच सिखाओ नहीं, सच का एहतमाम सिखाओ। आप यकीन करें भाई, मुझे पिछले दिनों एक डेढ़ हफ्ता पहले, आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं, सच की आदत हो, मुझे एक साहब कहने लगा अब साहब मैंने 30 साल हो गए, 30 साल हो गए कि 30 साल अनारकली में और इसी तरह दीगर बाजारों में काम काज करते हुए 30 साल में मैंने एक भी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कितनी बड़ी बात है। और साथ कहने लगे, उसकी ये बात तो मुझे परेशान की, लेकिन उससे बढ़ के कहने लगा कि अगर यही मैं गारंटी वारंटी अपने भाई के मतलब दूं कि मेरे भाई ने भी 30 साल में एक भी झूठ नहीं बोला, तो यकीन करें मैं उसमें भी झूठा नहीं होगा। अभी पिछले दिनों हमारा 25 लाख एक्सेस एरिया F1 जोहो टाउन प्लाट का पड़ा, तो मुझे कहने लगे 5 लाख में हो जाएगा, ये सब 5 लाख में हो जाएगा। मैंने कहा सब देखे बात सुने, अल्लाह ने हमसे ये कोई नहीं पूछना कि मदरसा बनाया है, मस्जिद बनाई है कि नहीं भूमि बनाई, अल्लाह ने हमसे ये नहीं पूछना कि इतना बड़ा काम करके आया कि नहीं, अल्लाह ने ये पूछना झूठ बोला है बस इसका हिसाब दे, छोड़ मदरसे को, झूठ बोला है इसका हिसाब दे, छोड़ तू मदरसे बना के आया मस्जिद बना के आया, झूठ बोला है। हमने इरादा किया भी, इरादा पक्का कि आप सब बस ठीक है 25 लाख दो कोई मसला नहीं, अल्लाह रहमत करेगा। आप यकीन करें जिस वक्त पुख्ता इरादा अल्लाह ताला ने देखा झंझोड़ा, 2 दिन बाद हमने पैसे अदा करने थे, 2 दिन पहले एक साहब आ कहने लगा हम सब लगता है थोड़े से परेशान, मैंने कहा परेशानी तो कोई नहीं है, कहने लगा 25 लाख अकेला मैं दे दूंगा, मसला ही कोई नहीं। हम वो 10 लाख जो झूठ पे देने थे वो भी जाया और बाकी भी, और फिर जिसको दे रहे थे वो भी दजल धोखा है। मुसलमान किरदार गुफ्तार का गाजी होता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको घरों में, मुझे और आपको मोहल्लों में, मुझे और आपको मस्जिदों में एक एक मुअल्लिम और एक एक मुरब्बी दे दे। नहीं मिलता तो झोलिए फैला के मांग लो, नहीं मिलता हाथ उठा के मांग लो, नहीं मिलता तो अंधेरों में तहज्जुदों में मांग लो, या अल्लाह मुझे मुअल्लिम चाहिए, मुझे मुरब्बी चाहिए,
मुझे मुअल्लिम दे दे, मुरब्बी दे दे, जो मेरे तन को भी साफ कर दे, मेरे मन को भी साफ कर दे। यकीन करें, मुरब्बी अच्छा, मुअल्लिम अच्छा, अर्श भी जीत जाओगे, फर्श भी जीत जाओगे, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। हादा माइंदी वलील मुंदल्ला, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।